हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ शीतल। आज की इस वीडियो में मीन्स क्लास 10 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 2 पार्ट 5 में हम कौन से टॉपिक्स देखने वाले हैं, तो फोक डांस ऑफ गुजरात, ट्राइबल डांस, गरबा एंड रास। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है फोक डांस ऑफ गुजरात, मतलब लोकरीति, मतलब लोगों के परंपरा अनुसार कौन से डांसेस है वो हम देखेंगे। देर आर वेरी डांस फॉर्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ गुजरात, मतलब गुजरात की अलग अलग कम्युनिटीज़ से बिलोंग करने वाला ये डांस है। दिस डांस फॉर्म्स आर अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन एंड कस्टम। और ये डांस कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं, तो उनके ट्रेडिशन और रीति रिवाज के अनुसार, और जिसमें से ट्राइबल और फोक डांस, मतलब ट्राइबल और फोक मतलब परंपरागत और जनजाति के हिसाब से, और भी डांसेस देखे तो गरबा, रास एंड मैनी मोर फोक डांस। तो सच आर्ट ऑफ डांस कैन बी सीन एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स, मैरिज एंड फेट्स, मतलब ये सब जो डांस के टाइप्स है वो हमें कब देखने मिलते हैं, तो कोई भी फेस्टिवल हो या मैरिज फंक्शन हो या फेयर, मतलब मेला लगता हो तब। नेक्स्ट टॉपिक है ट्राइबल डांस। ट्राइबल डांस ऑफ गुजरात इज सीन एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल, मैरिज, फेयर एंड टू प्लीज द गॉड गॉडेस, मतलब ये ट्राइबल डांस जो गुजरात का है वो हमें कब देखने मिलता है, तो फेस्टिवल्स में, मैरिजेस में, फेयर में, और भगवान के सामने हमें प्रार्थना करनी हो तब। मोस्ट ऑफ डांस आर परफॉर्म बाय फॉर्मिंग अ सर्कल अलोंग विथ वेरियस ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइक अ ड्रम, ट्रेडिशनल मंजीरा, थाली, ढोलक विथ सॉन्ग्स इन रीजनल लैंग्वेज। मतलब क्या कि ये जो डांस परफॉर्म किए जाते तो वो कैसे एक सर्कल में किए जाते हैं, और उन हर एक जन का स्पेशल ट्रेडिशनल म्यूज़िक होता है वो बजा कर किए जाते हैं, जैसे कि ड्रम हो गया, फिर ढोलक हो गया, थाली बजा लेते हैं, मंजीरा बजा लेते हैं, और अपने अपने जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज के सॉन्ग होते हैं वो गा लिया करते हैं। अब नेक्स्ट जो डांस का टाइप है वो चाडो, मतलब जिसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं जो ये डांस करते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि क्रिएचर्स, मतलब बर्ड क्रिएचर्स की नकल करते हैं, जैसे कि कौन से बर्ड्स, पिकॉक, स्क्वायरल एंड स्पैरो। फिर एक दूसरा डांस का टाइप है वो है मालिनो चालो एंड थाक्रियो चालो, ये कहाँ देखने मिलते हैं, डांग में देखने मिलते हैं। और वेरस तिपानी डांस ऑफ लेबरर्स का भी तिपानी डांस होता है, जो कौन करता है, मतलब कौन सी जनजाति करती है, तो कौन सी है, भील एंड कोली, ये कम्युनिटीज़ जो होती है वो इस डांस को करती है। और ये डांस कैसे किया जाता है, तो ग्रुप में डांस करते हैं, जो ये डांसर्स होते हैं वो ग्रुप में करते हैं। एंड और इनका डांस करने का सेट कैसा होता है, जो स्मॉल स्टिक्स होती है वो ग्राउंड में स्टक की होती है, घुसाई होती है, और उस पर मोटी लकड़ियाँ उस पर उनके ऊपर जॉइन होती है जिन पर ये डांस करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है गरबा। वाव, ये तो सबका फेवरेट है, राइट? मेरा भी फेवरेट है। तो मैं इस टॉपिक में, इस पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है वो इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ। गरबा जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, तो गर्भ डीप से। गरबा हम सबको पता है कि हम नवरात्रि फेस्टिवल पर करते हैं, जिसमें एक राउंड होता है, और फिर इसमें एक पोट का भी यूज़ किया जाता है जिसमें होल्स होते हैं, जिसमें अंदर लैंप होता है, और जो गरबा करने वाले जो परफॉर्मर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने हेड पर लेके इसके साथ परफॉर्म करते हैं। तो गरबा कब मनाया जाता है, हिंदू मंथ की बात करें तो आसो सुद एकम से लेकर आसो सुद नवमी तक, या दशम और शरद पूनम को भी हम गरबा खेलते हैं। फिर हम माता जगदम्बा की भी आरती करते हैं, पता ही सबको, आध्या जयाध्या शक्ति। और गरबा हम सिंगिंग के साथ भी खेलते हैं, और हम सबको पता ही है कि गरबा एक खुले मैदान पे रखा जाता है, बीच में मांडवी बनाई जाती है, और बस फिर हम तो फिर स्टार्ट ही हो जाते हैं हाथ से खेलना मस्त ड्रम की म्यूज़िक पर। अब नेक्स्ट पैरा में ये कहा गया है कि गुजराती पोइट्री जो कौन सी है, गरबा एंड गरबी, वो किसके साथ एसोसिएटेड है, मतलब किसके साथ जॉइन है, तो कृष्ण भक्ति के साथ। फिर गुजराती पोइट दयाराम
जो गुजराती कवि है दयाराम, उन्होंने गुजराती पोएम में एक कलरफुल इमोशनल गरबी ऑफ कृष्ण लव की बात की गई है। अब नेक्स्ट टॉपिक है रास। तो रास इज़ अ डांस टू बी परफॉर्म इन अ सर्कल अलॉन्ग विथ सिंगिंग, मतलब ये रास भी सर्कल में ही किया जाता है सिंगिंग के साथ। और इसमें लॉर्ड कृष्णा की स्टोरी है जो है रासलीला, जो किसकी भक्ति का नज़ारा है तो नरसिंह मेहता। रास इज़ अ मोस्टली परफॉर्म इन गुजरात ड्यूरिंग नवरात्रि एंड जन्माष्टमी फेस्टिवल्स, मतलब नवरात्रि और जन्माष्टमी के फेस्टिवल्स पर रास किया जाता है, जिसमें दांडिया भी एक उसका टाइप है। बट सम पीपल परफॉर्म रास बाय प्लेसिंग अर्दन पॉट ऑन द हेड, मतलब कुछ पीपल रास को कैसे परफॉर्म करते हैं, तो अपने हेड पर एक पॉट लेकर भी परफॉर्म करते हैं। वैष्णव मत से प्रभावित होकर, मतलब या उनका इंक्रीज होने के बाद रास और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। वुमन वियर ट्रेडिशनल ड्रेसेस लाइक एम्ब्रॉयडरी चनिया चोली एंड मैन वियर एम्ब्रॉयडरी केड़िया धोती व्हेन दे परफॉर्म रास, मतलब हमको पता ही है कि इसमें विमेंस जो होती है वो कैसे ड्रेस पहनती है, चनिया चोली पहनती है, और जो बॉयज़ होते हैं वो क्या पहनते हैं, केड़िया धोती पहनते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म हो रही है। आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं इस चैप्टर के लास्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।